बोल रही हूँ? बैग से प्रकट हुई है सरला देवी। अरे हमने तो ये सुना है कि वो बैग भी चोरी का था। क्या बोल रही हो जीजी? बैग वो भी चोरी का? अरे बैग वाला भी बहुत खुश हो रहा होगा। कह रहा होगा कि मैं इतना मजबूत बैग बनाते हैं जिसमें सामान तो सामान भैंसिया भी समा जाए। तो देख लिया है, इसीलिए टंगी हुई है यह तमाशा देखने के लिए। अगर हम यहाँ के महारानी होते ना, चार चार हंटर सुबह शाम पड़वाते इनको। अरे मोरी मैया, अरे जाओ जाओ भाई, अशोक बाबू को फोन करके बुलाओ है। अरे विदेश से चली आ रही है इनकी सवारी। जाओ बहनों, आरती का थाल लेकर आओ। ए, हमारी सल्ला जी विदेश से सैर करके लौटी है। सल्ला भाभी आ रही है। अरे नहीं नहीं, सूजी भाभी बोलो, सूजी भाभी। अरे अलन की अम्मा, पूछो ना पूछो। अरे हम का पूछे, आज तो पूरा मुगल सराय पूछ रहा है सल्ला अंग्रेज के साथ कहाँ कहाँ गई थी। वो अंग्रेज है ना, वो बैग में भर के सरला को विदेश में ले जा रहा था। हमको अगर पता होता ना तो हम ना उठा कहते फोटोग्राफर और माला का इंतजाम कर लेते पहले से। अरे सरला, अरे हमारी जबान फिसल गई है। सूजी सूजी कहाँ है ना तुम्हारा दूसरा वो अंग्रेजी पति है, उसके साथ भाग गई थी ना तुम, तो फिर वो बैग में से कैसे निकल गई? तुम्हारा अंग्रेज पति तुमको धोखा देकर भाग गया है क्या? अरे नहीं नहीं, ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो पूरा मोहल्ला कह रहा है। और कहा है ना कि हमने तो ये सुना है कि अगर कोई औरत बार मुंह काला करके आती है तो भैया उसको तो अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ती है। क्यों बहनों, सही कह रही हूँ ना? सही कह रही है। तुम हमारी अग्नि परीक्षा लोगी, हमारे मोहल्ले में हमारी अग्नि परीक्षा लोगी तुम? आज तक तो हमने यही सुना था कि आदमी अपनी औरत की अग्नि परीक्षा लेता है, ये तुम जैसे फटीचर लोग राशन की लाइन बना के किसी की अग्नि परीक्षा नहीं लेते हैं, समझी? अरे ही शरीफों का मोहल्ला है सरला जी, अग्नि परीक्षा तो देनी पड़ेगी। जाके अपने दिमाग का इलाज कराओ पहले। क्यों अम्मा जी, दूसरों को तो खूब उपदेश दिया करती थी, ऐसा करो ऐसा ना करो, अपनी बिटिया को कोई सिखाया नहीं क्या? हाँ आप तो अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। अरे पार्वती, वो जरा ब्लॉक निकालो ना, जो दिया था तुम्हें। हमारी सल्ला भाभी, अरे नहीं सूजी के ऊपर पहुंच जाएगी। क्यों अम्मा जी, कैसी लग रही है? अरे अम्मा जी, वो आपकी बेटी कह रही है कि हमारा दिमाग खराब हो गया है। अरे हमारा दिमाग थोड़े खराब हुआ है, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, नहीं तो हम कहते गंगा मैया में डूब के मर जाओ। देखो अम्मा जी, आपकी बेटी को है ना अग्नि परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। बिल्कुल सही। ठीक है चलो, बात तो सही है, अग्नि परीक्षा तो देनी पड़ेगी। बताओ कौन लेगा अग्नि परीक्षा? अरे अब हम समधन है तो हम ही लेंगे ना अपनी परीक्षा। बोलिए अम्मा जी, क्या करना है हमको? बता रहे इतनी तावलिकाएं हो रही है अग्नि परीक्षा ही है के। अम्मा जी, सारे मोहल्ले वाले सुनो, जो बके जा रही है ना प्रभा, 20 साल पहले इसने का कांड किया था, का कांड किया था ये हम बताते हैं। वो लाल चौक पे है ना बुढ़ो गुप्ता, उसकी लस्सी की दुकान है। आई हो ती मैं लस्सी पिकाती थी, बना के रखा था वो गुप्ता को। अरे जब इसके खसम को पता चला ना, खींच के लाए हमारे घर के सामने और पूरे मोहल्ले के बीच में तब पिटाई की इसकी। याद है प्रभा को ना? गुप्ता जी तो हमारा भाई था ना, हमारा जो राखी भाई। ची 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 ची, देखो रक्षाबंधन के पवित्र रिश्ते को बदनाम कर रही है बेशरम औरत। अम्मा जी, ए आवाज नीचे रख, ऊंची आवाज में बात करना, हमको भी आता है पहलवान। याद है ना 20 साल पहले
इस प्रभा को कुत्ते की तरह मारा था मोहल्ले के बीच। दिमाग के दिमाग छटे या हम याद दिलाएं एक और मार के। हाँ तो वो हमारा निजी मामला था, आज काय घड़े मुर्दे उखाड़ रही है। अरे वाह, निजी मामला तो घर में पिटाई करते अपनी लुगाई की, बीच मोहल्ले काय मारा कुत्ते की तरह। हाँ? ये औरत लेगी हमारी सरला की अग्नि परीक्षा। थू 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 थू। अम्मा जी आप तो बुरा मान गई। अम्मा जी बुरा माना होता ना तो अब तक तो तू ऊपर ही सरक गई होती। चुप रहे ना, ये तो बाकी राज भी खोलेंगे एक के बाद एक के बाद एक, समझे? अम्मा जी माफ कीजिए ना हमको। तुम है? हम तो अपने पतिदेव को बोलेंगे कि तुम अपनी बहिनिया का दिमाग भी ठीक कर दो। तुम हमारी अग्नि परीक्षा लोगी हमारे मोहल्ले में है? शर्म नहीं आती सबके सामने बोलते हुए कि हम किसी किसी अंग्रेज के साथ भाग गए थे? अरे शर्म करो शर्म। जिस तरह भी अम्मा ने प्रभा को अग्नि परीक्षा दी है ना, वैसे एक झन्नाटेदार अग्नि परीक्षा तुम्हें दे देंगे। तुम्हारा दिमाग ना बौरा गया है, जाओ इलाज करो जाके अपने घर में जाके। अरे जाओ जाओ तुम जाओ तुम जाओ। अरे चलो मूर्ख महिला, देखा नायिका टीवी पे पुलिस ने इसको बैग में से निकाला। एक बैग में से अगर कोई भाग जाता है तो बैग में वापस आता है का? अब तू चुप कर नहीं तो तेरे राज भी खोलना शुरू कर देंगे हम। आपको पता है हम कितनी टेंशन ले रहे थे, फिर हमें सोनल का फोन आया, तब हम मंदिर में थे, मंत्र जाप कर रहे थे कि हमारी मम्मी कहाँ चली गई, प्लीज गॉड उन्हें वापस भेज दो। और ओ तुम सब, फ्री की फिल्म खत्म, जाओ अपने अपने घर। चलो तुम लोग अंदर, चलो चलो अंदर। बहुत परीक्षा परीक्षा सुधरी है ना, चलो अब हम लेंगे परीक्षा। चला